स्पीकर हमेशा काले रंग का ही क्यों होता है? एक ऐसा पेंटिंग जिसे देखने के बाद आप चौंक जाने वाले हो। और कैसे इस लड़के ने अपने शरीर पर टैटू बनवाने के लिए 74 लाख रुपए खर्च कर दिए। ऐसे ही कई मजेदार और दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 10, ब्रूस ली, जो कि अपने समय के ही नहीं बल्कि अब तक के सबसे ताकतवर इंसान रह चुके हैं। उनकी ताकत और फुर्ती का अंदाजा सिर्फ इसी बात से आप लगा सकते हो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की केन को बस पलक झपकते ही उसमें छेद कर दिया करते थे। सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के ही केन में नहीं बल्कि स्टील के बने हुए कैन में भी ऐसा कर दिया करते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आम बात है तो एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। नंबर 9, जापान में एक ऐसा पेन मिलता है जिसमें जिंदा पैरासाइट यानी कि परजीवी तैरता हुआ रहता है। ये बीमारी का कारण भी हो सकता है। आमतौर पर यह पेन हल्के फुल्के गिफ्ट देने के काम आता है। वैसे परजीवियों को पेन में बंद करके रखने का तरीका तो बिल्कुल बाहियात ही है। नंबर 8, मिलिए पुणे में रहने वाली श्रेया सिद्धना गौड़ा से, जिनकी 2016 में एक दुर्घटना में दोनों हाथ कोहनी के नीचे से गिर गए थे, जिसके बाद उस हाथ को पूरी तरह से काट कर निकालना पड़ा। उसकी जगह पर उस लड़की श्रेया को दोनों साइड पुरुषों का हाथ लगाकर एक नया जीवन मिला और यह एशिया का पहला सफल इंटरजेंडर हैंड ट्रांसप्लांट था। श्रेया की सर्जरी भी भारत में ही हुई थी। नंबर 7, वैसे तो सारे जगह शादी करने के रीति रिवाज अपने अपने अलग अलग होते हैं और इन सभी से बिल्कुल अलग अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां का राजा हर साल शादी करता है। लेकिन इस देश में राजा के लिए जो लड़की चुनने की प्रक्रिया है वो काफी बकवास है। हर साल राजा के महल में पूरे देश से कुमारी लड़कियों को चुन चुन कर लाया जाता है और उसे अधनंगी अवस्था में कर परेड करवाए जाते हैं और राजा को जो पसंद आता है उससे वो शादी कर लेता है। नंबर 6, ऊटनी का दूध का आप कभी दही नहीं जमा सकते। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार ट्राई जरूर करना। नंबर 5, आज भारत में कई सारे सीरियल हैं जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी के लिए, CID और क्राइम अलर्ट जुर्म से सतर्क के लिए, और सास बहू के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई सारे सीरियल आज के समय में है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सीरियलों का जनक कौन है? हम भारत का पहला टीवी धारावाहिक सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 7 जुलाई 1984 को भारत के राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू हुआ, जो कि उस समय भारत का एकमात्र टेलीविजन चैनल था। यह 80 के दशक की भारत के मध्य वर्ग के परिवार और उनके दैनिक संघर्षों का आकांक्षाओं की कहानी पर आधारित था। नंबर 4, मिलिए कनाडा में रहने वाले जेमी से। इस इंसान को टैटू से इस कदर लगाव है कि इसने अपने शरीर के हर हिस्से में टैटू बनवा रखा है, जिसे बनाने के लिए इसने अब तक 74 लाख रुपए से भी अधिक खर्च कर चुका है। और अपने शरीर पर ज्यादा टैटू बनवाने की वजह से इसका शरीर बिल्कुल काला हो चुका है। अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 3, अगर आपने किसी एप्पल के विज्ञापन में एप्पल का फोन देखा हो तो उसमें अक्सर 9:41 AM हो रहा होता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एप्पल इसी समय अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। नंबर 2, पूरी जिंदगी में हमारा दिमाग लगभग 10 लाख GB डेटा स्टोर कर लेता है। नंबर 1, दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर स्पीकर हमेशा काले रंग के ही होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर कंपनियां हमेशा काले रंग का ही स्पीकर क्यों बनाती है? इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन कि काला रंग हमेशा अपने आप में ही प्रीमियम लगता है, और दूसरा रीजन यह है कि स्पीकर कई कई महीनों तक एक ही जगह पर रखा हुआ रहता है जिससे स्पीकर गंदा हो जाता है और काला रंग गंदगी को साफ से नहीं दिखने देता। और तीसरा कारण यह है कि कंपनियों को अलग अलग रंग का स्पीकर बनाने में काफी खर्चा आता है, जिसके चलते कंपनियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्पीकर का रंग काला ही हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हमारी मुलाकात जल्द ही कुछ खास जानकारी के साथ।